ने Kavya को देखा तो वह उसकी उत्कृष्ट उपस्थिति से इतनी आश्चर्यचकित हो गई की उसने Leng Shouting को भी नजरअंदाज कर दिया वाह आप अपनी तस्वीरों से कहीं अधिक सुंदर दिखती है प्रशंसा सुनकर खुशी हुई धन्यवाद Kavya मुस्कुराई फिर लेंग Yuanjin को उपहार दिया आंटी Yuanjin यह हमारी पहली मुलाकात है इसलिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा उपहार तैयार किया है यह स्वीकार करें दूसरी बार लेंग युआनजिन ने पैकेज देखा उसे पता था कि यह कॉजी उत्पादों का एक सेट था उसकी आंखें तुरंत तुरंत चमक उठीन और उसने तुरंत इसे ले लिया धन्यवाद मुझे कॉजी बहुत पसंद है और मुझे आपका उपहार भी बहुत पसंद है लेंग युआनजिन ने काव्या को धन्यवाद दिया काव्या को लेंग युआनजिन का व्यक्तित्व पसंद आया आपका स्वागत है और मैंने आपके लिए एक और उपहार तैयार किया है काव्या ने कहा और लेंग शाउटिंग के हाथों से एक आभूषण का मामला प्राप्त किया यह जेड ब्यूटी ज्वेलरी आभूषण है मैंने आंटी यिन को पहले एक सेट दिया है इसलिए मुझे लगता है कि आंटी युआनजिन के पास भी एक सेट होना चाहिए वाह युआनजिन आश्चर्यचकित थी क्योंकि वह जानती थी कि जेड ब्यूटी ज्वेलरी भी सस्ती नहीं थी हालांकि वह बहुत अमीर थी फिर भी यह कोई सस्ता उपहार नहीं था वैसे भी चूंकि यू यिन के पास भी एक सेट था इसलिए वह यह उपहार भी ले सकती थी धन्यवाद खैर मुझे नहीं पता कि अब क्या कहूँ बहुत बहुत धन्यवाद लेंग युआनजिन ने खुशी से कहा उन्हें जेड ब्यूटी ज्वेलरी पसंद थी आंटी यिन, कृपया बुरा मत मानना कि मैंने आज आपके लिए कोई उपहार तैयार नहीं किया काव्या ने बाद में यू यिन से कहा बिल्कुल नहीं मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है यू यिन मुस्कुराया काव्या उसे पहले भी कई उपहार दे चुकी थी इसलिए इस समय उसके अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं था इसके अलावा वह बहुत दयालु और उदार व्यक्ति थी इसलिए उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी इसके बाद लेंग युआनजिन ने अपने बैग से एक मोटा लाल लिफाफा निकालने से पहले यू इन से उपहार पकड़ने में मदद करने के लिए कहा यहाँ काव्या यह तुम्हारे लिए मेरा उपहार है और मैं तुम्हें और शूटिंग को आपके जीवन में शुभकामनाएं देता हूँ लेंग युवांजिन ने इसे काव्या को सौंप दिया धन्यवाद आंटी युवांजिन काव्या ने इसे व्यापक मुस्कान के साथ लिया लेंग युआनजिन ने अचानक कहा शाउटिंग आपसे मिलकर बहुत भाग्यशाली होगी वह लेंग शाउटिंग को छोटा नहीं कर रही थी बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यह कोई रहस्य नहीं था कि लेंग शाउटिंग को पहले कभी किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ था हालांकि काव्या ने अपना मन बदल लिया लेंग शाउटिंग भी काव्या को अपनी प्रेमिका के रूप में पाकर काफी भाग्यशाली महसूस कर रहे थे और अब वह खुशी से रह रहे थे काव्या ने कहा आंटी युआनजिन मैं भी शाउटिंग से मिलकर खुद को भाग्यशाली महसूस करती हूँ सही है आप दोनों एक दूसरे से मिलकर भाग्यशाली हैं लेंग युआनजिन ने कहा उसे इस युवा जोड़े के लिए खुशी महसूस हुई जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे दरअसल अगर वे गहरे प्यार में न होते तो इतनी जल्दी सगाई करने को तैयार नहीं होते लेंग युवांजिन ने उत्सुकता से कहा हालांकि मेरे पास पहले से ही जेड ब्यूटी ज्वेलरी एक सेट है फिर भी मैं स्टोर को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ काव्या मुस्कुरा दी कोई बात नहीं चलो अब वहीं चलते हैं एक बार जब लेंग युआनजिन काव्या से मिली तो उनके मन में काव्या के बारे में अच्छा प्रभाव पड़ा और काव्या को यह महसूस हुआ वह खुश थी क्योंकि लेंग शाउटिंग की नजर में लेंग युआनजिन एक महत्वपूर्ण बुजुर्ग थे इसके बाद वे जेड ब्यूटी ज्वेलरी लिए रवाना हो गए जैसे ही काव्या आई उसका प्रबंधक उसका और अन्य लोगों का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ा जब लेंग युआनजिन ने स्टोर में सजावट और गहने देखे तो वह फिर से आश्चर्यचकित हो गई वह अपनी नज़र में आने वाली हर चीज की तारीफ करती रही जैसे उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा हो लेंग युआनजिन वास्तव में केवल इसलिए इतना प्रभावित हुआ क्योंकि इसका स्वामित्व काव्या के पास था काव्या अभी बहुत छोटी थी इसलिए एक युवा लड़की के लिए इतना सफल ज्वेलरी ब्रांड बनाना आसान नहीं था हालांकि जो दर्शक लेंग युआनजिन को नहीं जानते थे उन्होंने सोचा कि वह गरीब थी और महंगे गहनों से आश्चर्यचकित थे अपनी आवाज़ कम करो भले ही आपने पहले कभी सुंदर आभूषण न देखे हो फिर भी आपको अपने शिष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए लगभग 40 वर्ष की एक थोड़ी मोटी महिला ने लेंग युआनजिन की आलोचना की वह अपने शरीर पर कई प्रकार के महंगे सामान के साथ नव नवधनाढ़ियों की तरह कपड़े पहनती थी वह बहुत घमंडी भी थी मानो वह दुकान की सबसे अमीर महिला हो काव्या ने नापसंदगी से भौहें सिकोड़ ली क्योंकि वह बता सकती थी कि यह महिला बहुत निर्दयी थी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महिला ने लेंग युआनजिन को अपने सामने ही शर्मिंदा किया काव्या कुछ कहना चाहती थी लेकिन लेंग युआनजिन ने पहले अपना मुंह खोला मैं क्यों क्या आप स्टोर में कुछ भी खरीद सकते हैं आपके हाथ में कंगन सुंदर दिखता है लेकिन आपने इसे लंबे समय तक देखा है आप इसे सीधे क्यों नहीं खरीद लेते लेंग युआनजिन पागल नहीं थी बल्कि उसने महिला को चुनौती दी थी बेशक मैं इसे वहन कर सकता हूँ इसे अभी पैक करो महिला लेंग युआनजिन की बातों से नाराज हो गई और उसके बिछाए जाल में फंस गई दरअसल वह इस ब्रेसलेट को खरीदने से झिझक रही थी इसलिए नहीं कि वह इसे खरीद नहीं सकती थी बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगा कि इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है इस एक कंगन की कीमत उसके तीन मिलियन युवा अगर उसने इसे खरीदा तो वह इस महीने कई अन्य चीजें नहीं खरीद सकी जो वह खरीदना चाहती थी हालांकि वह लेंग युआनजिन के शब्दों से नाराज़ थी और अपनी संपत्ति साबित करने के लिए दृढ़ थी एक सेल्सवुमन ने उसके लिए कंगन पैक करने के बाद लेंग युआनजिन पर तिरस्कार की नज़र डाली फिर बिल का भुगतान करने चली गई हालांकि लेंग युआनजिन बिल्कुल भी क्रोधित नहीं थी बल्कि उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ काव्या तुम क्या सोचती हो मैंने बस आपको एक सौदा तय करने में मदद की काव्या जोर से हंसी और लेंग युआनजिन को थमसप दिया आंटी युआनजिन आपने बहुत अच्छा काम किया है मुझे आपको और आंटी यिन को बाद में एक साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए वास्तव में भले ही लेंग युआनजिन ने ऐसा नहीं किया फिर भी काव्या उन्हें एक साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करेगी कोई जरूरत नहीं शाउटिंग ऐसा करेगा लेंग युआनजिन ने कहा और लेंग शाउटिंग की ओर मुड़े शूटिंग आपने मुझे अभी तक एक साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित नहीं किया है निश्चित रूप से इस बार मेरा स्वागत है लेंग शाउटिंग ने कहा काव्या सहमत हो गई क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने बिल का भुगतान किया या लेंग शाउटिंग ने यह कोई रहस्य नहीं था कि काव्या जेड ब्यूटी ज्वेलरी बॉस थी हालांकि हर किसी को इसके बारे में पता नहीं था लेकिन कई लोगों ने इसके बारे में सुना था इसलिए जब वह कुछ मिनट तक स्टोर में रुकी तो कई ग्राहकों ने उसे पहचान लिया शुरुआत में वे निश्चित नहीं थे लेकिन कुछ बार काव्या पर नजर डालने के बाद उन्हें यह यकीन हो गया हालांकि भले ही वे काव्या को पहचानते थे फिर भी वे उसे परेशान करने के लिए आगे नहीं बढ़े वे काव्या की उत्कृष्ट उपस्थिति से बहुत प्रभावित हुए और उनके मन में उस पर बेहतर प्रभाव पड़ा थोड़ी देर बाद काव्या और बाकी लोग लंच के लिए चले गए न तो लेंग युआनजिन और न ही यू यिन किसी फैसी होटल में भोजन करना चाहते थे क्योंकि वे वहां केवल तभी भोजन करते थे जब उन्हें कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ व्यापार पर चर्चा करने की आवश्यकता होती थी खाना भी बहुत महंगा था इसलिए उन्होंने स्थानीय रेस्तरा में खाना पसंद किया जिसमें स्वादिष्ट व्यंजन हो उन्होंने एक निजी कमरा बुक किया और अपने पसंदीदा व्यंजनों का ऑर्डर दिया उसके बाद लेंग युआनजिन ने काव्या के साथ जियांग शुआन और लेंग शाउजिया के बारे में बात की काव्या मैंने सुना है कि जियांग शुआन और लेंग शाओजिया ने तुम्हारे साथ पहले क्या किया था मैं जानता हूं कि तुम बिल्कुल भी कमजोर लड़की नहीं हो इसलिए जब भी तुम्हें जरूरी लगे तुम लड़ सकती हो जब लेंग युआनजिन ने जियांग शुआन और लेंग शाओजिया के बारे में बात की तो वह नाराज दिखे दरअसल लेंग परिवार में कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था और लेंग युआनजिन के पास अब काव्या के बारे में अच्छी धारणा थी इसलिए वह जियांग शुआन को पहले से कहीं ज्यादा नापसंद करने लगी मैं समझ गई आंटी युआनजिन काव्या ने कहा उसे यह जानकर अच्छा लगा कि लेंग युवांगंजिन ने उसका बचाव किया आमतौर पर जब अन्य लोग उस पर हमला करते थे तो काव्या खुद को बचाने के लिए लड़ती थी जब जियांग शुआन और लेंग शाओजिया ने उसके लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश की तो उसने हमेशा संघर्ष किया हालांकि यह समय अलग था और मास्टर लेंग की खातिर वह लेंग शाओजिया को गंभीरता से दंडित नहीं कर सकी लेकिन उसे बिल्कुल भी पीड़ा महसूस नहीं हुई लेंग युवांजिन ने काव्या की विशेष दवा का उल्लेख नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि काव्या स्वयं निर्णय ले सकती है आखिरकार काव्या को कभी भी लेंग शाऊजिया का साथ नहीं मिला इसलिए काव्या के लिए इस समय लेंग शाऊजिया की मदद करने के लिए सहमत होना कठिन होगा इसके अलावा लेंग युआनजिन ने यह भी उम्मीद जताई कि लेंग शाऊजिया कुछ और दिनों तक कष्ट सहकर इससे सीख सकते हैं दर्द हमेशा के लिए नहीं रहेगा और लेंग शाऊजिया कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा इसके अलावा भले ही लेंग परिवार को लेंग शाऊजिया को ठीक करने के लिए काव्या की दवा की आवश्यकता हो लेंग शाऊजिया के माता पिता को इसकी मांग करनी चाहिए इसलिए काव्या के अप्रसन्न होने की स्थिति में लेंग युवांजिन दवा के बारे में बात करने को तैयार नहीं थी क्योंकि हालांकि यह काव्या से उसकी पहली मुलाकात थी लेकिन उसने पहले से ही काव्या को लेंग परिवार के सदस्य के रूप में माना था बाद में उन्होंने लेंग शाउजिया के बारे में बात करना बंद कर दिया और लेंग युआनजिन ने काव्या से पूछा कि वह लेंग शाउटिंग से कैसे मिली काव्या ने उसे बताया कि वह लेंग शूटिंग से पहली बार तब मिली थी जब वह एक अपराधी का पीछा कर रहा था उन्होंने मिलकर काम किया और अंत में अपराधी को सफलतापूर्वक पकड़ लिया लेंग युआनजिन ने मज़ाक में यह भी कहा कि लेंग शाउटिंग बहुत ठंडा था और काव्या के लिए उसके साथ रहना मुश्किल होगा काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब लेंग शाउटिंग उसके साथ थी तो उसे बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं हुई हालांकि लेंग शाउटिंग थोड़ा ठंडा दिखता था वह एक परिपक्व विश्वसनीय व्यक्ति था और वह बातूनी भी नहीं थी और वे एक आदर्श युगल थे काव्या की नज़र में लेंग शाउटिंग में कमजोरियों की तुलना में कहीं अधिक ताकत थी लेंग युआनजिन को लेंग शाउटिंग के लिए खुशी महसूस हुई जब उसने सुना कि काव्या उससे बहुत प्यार करती थी सभी ने मिलजुल कर भोजन का आनंद लिया भोजन समाप्त करने के बाद लेंग युआनजिन और यू यु यिन एक साथ चले गए जाने से पहले उन्होंने लेंग शाउटिंग से पूछा कि क्या वह उनके साथ लेंग परिवार के घर वापस जाना चाहते हैं लेकिन उन्होंने मना कर दिया उसे कल काम पर वापस जाना था इसलिए उन्होंने जिद नहीं की कल सोमवार था और लेंग शाउटिंग को सैन्य अड्डे पर वापस जाना था इसलिए वह काव्या के साथ अधिक समय बिताना चाहता था बाद में काव्या और लेंग शाउटिंग पेंग झिघाओं से मिलने अस्पताल गए क्योंकि पेंग झिघाओं को आज मुआवजा मिलेगा इसलिए उसे इससे निपटने के लिए अपने वकील के साथ जाने की जरूरत थी हालांकि वे इसे कल संभाल सकते थे काव्या इसे स्थगित करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वे इसे अभी ही निपटा सकते थे वकील ने काव्या को परिणाम बताया लेकिन पेंग जियामन और पेंग झिघाओं को अभी तक इसकी जानकारी नहीं थी इसलिए काव्या ने आज जब पेंग झिघाओं से मिलने गई तो उन्हें यह बताने की योजना बनाई क्योंकि काव्या और लेंग शाउटिंग अस्पताल के करीब थे जब वे पहुंचे तब भी वकील अनुपस्थित था एक बार जब वे पहुंचे तो काव्या ने पेंग जियामन और पेंग जिन्हाओ को मामले का नतीजा बताया जेंग काई पर लगाई गई सजा के बारे में सुनने के बाद वे दोनों उत्साहित थे आखिरकार बुरे लोगों को सजा दी गई जहां तक मुआवजे की बात है पेंग जियामन को नहीं पता था कि उन्हें इसे लेना चाहिए या नहीं काव्या की मदद के बिना उनके पास एक पैसा भी नहीं होता इसलिए यह काव्या का प्रयास था जिसने उन्हें इतनी बड़ी धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी हालांकि जेंगकाई द्वारा पेंग जिंगहाओ वास्तव में गंभीर रूप से घायल हो गया था इसलिए उनके लिए पैसे स्वीकार करना उचित था काव्या पेंग जियाओमन की भावनाओं को समझती थी लेकिन उसे पहले से ही एक विचार था मैंने पेंग झिघाओं की चिकित्सा और सर्जरी शुल्क के लिए दो लाख युआन का भुगतान किया है इसलिए मैं इसे मुआवजे से काट लूंगा और बाकी आपका होना चाहिए यदि आप अभी भी मेरे लिए काम करने को इच्छुक हैं तो मैं आपको फिर से चुनने का मौका दे सकता हूँ यदि आप मेरे लिए काम करते हैं तो आपको अन्य स्टाफ सदस्यों के समान लाभ मिल सकते हैं लेकिन मैं मुआवजे से आपका वेतन तीन लाख युआन काट लूंगा इसलिए मैं कुल मिलाकर पांच लाख युआन ले लूंगा काव्या ने कहा कि यह देखने के लिए कि क्या उन्होंने अपना मन बदल लिया है और उन्हें विकल्प चुनने का दूसरा मौका भी दे यदि उन्हें इसका पछतावा होता तो वह उन्हें अपने लिए काम करने के लिए बाध्य नहीं करती बल्कि वे क्रोधित होती क्योंकि जब उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई तो उन्होंने उन्हें लात मार कर किनारे कर दिया हालांकि वह उन्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेगी और पारिश्रमिक के रूप में उनके मुआवजे से केवल तीन लाख युवा लेगी यह उनके लिए निष्ठावान कार्यकर्ताओं का चयन करने का भी एक बड़ा मौका था पेंग जियाओमन और पेंग जिंघाव समझ गए कि काव्या का क्या मतलब है और उन्होंने तुरंत अपना रवैया दिखाया मिस काव्या हम अपना मन नहीं बदलेंगे और हमें इसका कभी अफसोस नहीं होगा वास्तव में हम आपके लिए काम करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं ठीक है मिस काव्या भले ही आप सारा मुआवजा छीन ले हम इसके बारे में बिल्कुल भी शिकायत नहीं करेंगे हम आपकी दयालुता और मदद से स्पष्ट रूप से अवगत हैं काव्या की मदद के कारण पेंग जिंघाव बच गया था जब तक वह जीवित था वह अपने लिए पर्याप्त धन कमाने में सक्षम था बहुत बढ़िया मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था करूंगा यदि आपके पास अपनी सपनों की नौकरी है तो आप उनके लिए लड़ सकते हैं अन्यथा आप मेरे आदेशों का पालन करेंगे काव्या ने कहा वह उनकी प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट थी जरूर पेंग जियाओमन और पेंग जिंघाओं सहमत हुए थोड़ी देर बाद वकील मुआवजे से निपटने के लिए आया और पेंग जियाओमन को बड़ी रकम हस्तांतरित की ठीक है जब पेंग जिंघाओं पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो हम अन्य चीजों के बारे में बात कर सकते हैं अगर जेंग परिवार आपको परेशान करता है तो जो वेफान कुछ और दिनों के लिए यहां रहेगा काव्या ने कहा कोई समस्या नहीं उन्होंने कहा बाद में काव्या और लेंग शूटिंग चले गए काव्या को यह चिंता किसी कारण से थी क्योंकि जेंगताई की मां उस रात दस बजे पेंग झिघाओं से बदला लेने के लिए आई थी वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकी कि उसका इकलौता बेटा कुछ वर्षों के लिए जेल में रहेगा इसलिए उसने अपना विवेक खो दिया एक बार जब वह पेंग झिघाओं के वार्ड के बाहर पहुंची तो उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया और झो वेफान ने दरवाज़ा खोला बिना किसी हिचकिचाहट के उसने झो वेफान पर सल्फ्यूरिक एसिड की एक बोतल फेंक दी दरअसल झो वेफान उसका लक्ष्य नहीं था लेकिन अब उसे इसकी परवाह नहीं थी झो वेफान चौंक गया और उसने तुरंत इसे टाल दिया लेकिन कुछ सल्फ्यूरिक एसिड बिस्तर पर गिर गया और रजाई को बर्बाद कर दिया यह देखकर झो वेफान को एहसास हुआ कि बोतल में क्या है और वह क्रोधित हो गया पेंग जियाओमन और पेंग जिंघाव भी डरे हुए थे लेकिन वे तुरंत बिस्तर के किनारे चले गए जेंगकाई की माँ उन्हें कोसती रही लानत है तुम पर भार में जाओ भार में जाओ झो वेफान इस बार अच्छी तरह से तैयार था और उसने उसे दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड फेंकने की अनुमति नहीं दी एक बार जब वह चली गई तो जो वेफान ने सल्फ्यूरिक एसिड और उसके पूरे शरीर को ढकने के लिए बिस्तर पर रजाई पकड़ ली जेंग काई की मां दर्द से चिल्लाती थी जब वह सल्फ्यूरिक एसिड में भीगी हुई रजाई में ढकी हुई थी उसकी चीख ने बाहर के लोगों और नर्सों का ध्यान आकर्षित किया एक बार वे वार्ड के दरवाजे की ओर भागे तो उन्होंने उसे रजाई में लौटते हुए देखा चूंकि रजाई उसके सिर से ढकी हुई थी सल्फ्यूरिक एसिड पहले उसके सिर को छू गया यहां क्या चल रहा है एक नर्स ने पूछा लेकिन उसने रजाई हटाकर यह देखने की कार्रवाई नहीं की कि अंदर कौन है एक महिला अचानक हमारे वार्ड में सल्फ्यूरिक एसिड डालने के लिए दौड़ी और मैंने उसे रोकने के लिए रजाई का इस्तेमाल किया वह शायद अब सल्फ्यूरिक एसिड से आहत हो गई है जो वेफा ने कहा वह शांत रहे और गंभीर भाव से उसे समझाया हालांकि वह खुद का बचाव करने का दोषी नहीं था जेंगकाई की मां इस बार गंभीर रूप से घायल हो सकती थी शायद उसे उसका मुआवजा देना होगा सौभाग्य से उसे इसके लिए कानून के अनुसार दंडित नहीं किया जाएगा क्या दर्शक चौंक गए और तुरंत दूर चले गए कहीं उन्हें भी चोट न लग जाए पेंग ज्याओमन और पेंग जिन्हाव भी आश्चर्यचकित थे ऐसे में ये महिला उनके लिए ही आई होगी यदि यह झो वेफान के लिए नहीं होता तो वे सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा विकृत हो सकते थे हालांकि जेंग काई की मां बहुत दुष्ट थी उसे अस्पताल में चोट लगी थी इसलिए नर्सों को कुछ करना पड़ा इसलिए नर्स जल्दी से जेंगताई की मां के ऊपर से रजाई हटाने गई लेकिन वह थोड़ी कमजोर थी इसलिए झों वेफान ने उसकी मदद की झों वेफान ने अगले ही सेकंड रजाई खींच ली और जेंगताई की मां अंतः उसमें से बाहर आ गई लेकिन उसका चेहरा सल्फ्यूरिक एसिड से पहले ही जल चुका था हालांकि उसकी जलन गंभीर नहीं थी उसका चेहरा खराब हो गया था ओह मेरा चेहरा मेरा चेहरा उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया लेकिन जैसे ही उसके हाथों ने उसके जले हुए चेहरे को छुआ तो वह दर्द से चिल्लाने लगी जाओ डॉक्टर को बुलाओ नर्स ने दूसरी नर्स से कहा जो तुरंत भाग गई वे केवल नर्से थी और उन्हें काई की मां के इलाज के लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता थी दूसरे दर्शकों ने उसका चेहरा देखा वे उसके बारे में बात करने लगे जीसस उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा है उस आदमी ने कहा कि वह उनके वार्ड में फेंकने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की एक बोतल ले गई थी ये लड़की पागल है उसने ऐसा क्यों किया लोग जोर जोर से चर्चा कर रहे थे लेकिन उनमें से ज्यादातर जेंगकाई की मां के पक्ष में थे क्योंकि वह सहानुभूतिपूर्ण लग रही थी झों वेफान इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बहस की यह मत सोचो कि वह निर्दोष है वह दोषी है उसने आपके वार्ड में सल्फ्यूरिक एसिड क्यों फेंका उसने ऐसा किसी कारण से किया होगा सही झो वेफान समझ गए कि दर्शकों को सच्चा नहीं पता है इसलिए उन्होंने जेंगकाई की मां से पूछा क्या आप जेंग परिवार के सदस्य हैं हालांकि उसने वह प्रश्न पूछा था वास्तव में उसके पास पहले से ही उत्तर था एक बार जेंग काई की मां ने जेंग परिवार के बारे में सुना वह चिल्लाई मेरे बेटे को तुम्हारी वजह से जेल में डाल दिया गया था तुम्हें नरक जाना चाहिए भार में जाओ दुर्भाग्य से अब उसमें बदला लेने की ताकत नहीं थी जिसे सुनकर दर्शक हैरान रह गए उन्होंने उसके बेटे को जेल में डाल दिया कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उनके साथ ऐसा किया पेंग जियामन और पेंग जिंघाओं उनकी चर्चा से नाराज़ थे बंद करना जो वेफान ने ठंडी आवाज में उन पर तंज कसा और दर्शकों ने डर दर के मारे अपना मुंह बंद कर लिया उसके बेटे ने इसके लिए कहा क्योंकि उसका बेटा जो वेफान ने पेंग झिघाओं की ओर इशारा किया जो मरीज के बिस्तर पर बैठा था उसके बेटे ने उसके सिर में फल काटने वाला चाकू घोप दिया और वह मारा जा सकता था उसके परिवार ने भी पुलिस को रिश्वत देकर अपने बेटे को अपराध से बचने में मदद करने की कोशिश की क्या आप अब भी सोचते हैं कि उसका बेटा और उसका परिवार निर्दोष है जिसे सुनकर दर्शक फिर चौंक गए सिर में गहराई तक वार किए जाने के बाद हर कोई बच नहीं सका इसके अलावा जेंग परिवार ने पुलिस को रिश्वत दी थी जो पूरी तरह से अस्वीकार्य था हालांकि बहुत से लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ और कुछ को अभी भी संदेह था जो वेफान ने उनकी प्रतिक्रिया देखी और कहा यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप इंटरनेट पर मामले के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसे सुनकर दर्शकों ने उनकी बातों पर यकीन कर लिया वहीं जेंगकाई की मां के प्रति अब किसी को सहानुभूति नहीं थी कुछ मिनट बाद दो पुरुष डॉक्टर आए उन्होंने जो वेफान से वार्ड में क्या हुआ था इसके बारे में विवरण मांगा जो वेफान का स्पष्टीकरण सुनने के बाद उन्हें पता चला कि यह महिला की गलती थी इसलिए उन्होंने पुलिस को बुलाया जो वेफान बिल्कुल भी नहीं डरा क्योंकि जेंगकाई की मां दोषी थी वे नहीं और दरवाजे पर निगरानी कैमरे थे उसके बाद डॉक्टर जेंगकाई की मां को उसके घावों का इलाज करने के लिए ले गए जो वेफान ने तुरंत काव्या को बताया कि क्या हुआ था काव्या ने जो वेफान को पहले इससे निपटने के लिए कहा यदि वह इसे संभाल नहीं पाता तो वह बाद में मदद के लिए उसकी ओर रुक कर सकता था इसके अलावा जो कुछ हुआ था उसे देखते हुए उन्हें वार्ड बदलना पड़ा और काव्या ने रिसेप्शनिस्ट से इसे अन्य लोगों से गुप्त रखने के लिए कहा यदि उनके दोस्त उनसे मिलने आते थे तो वे उनसे अकेले में संपर्क करते थे उसके बाद जो वेफान ने पेंगजिंघाओं के डॉक्टर से कहा कि उन्हें दूसरे वार्ड में जाने की जरूरत है डॉक्टर को काव्या की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी नहीं पता था लेकिन वह जानता था कि वह साधारण नहीं थी उसकी अविश्वसनीय दवा के कारण वह भी सम्मानित था इसलिए वह तत्परता से सहमत हो गया हालांकि उन्हें यह जांचने की जरूरत थी कि क्या अस्पताल में अधिक वार्ड उपलब्ध है जल्द ही वह वापस आया और जो वेफान को बताया कि अब केवल वीआईपी वार्ड उपलब्ध है वीआईपी वार्ड में रहना बहुत महंगा था लेकिन पेंग जियामन ने इसे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया क्योंकि उनके पास इसे वहन करने के लिए पर्याप्त पैसे थे इसके अलावा पेंग जिंघाव कुछ दिनों में अस्पताल छोड़ देंगे करीब आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने निर्णय लिया कि झो वेफान अपना बचाव कर रहा था जो कानूनी था इसलिए उसे दंडित नहीं किया जाएगा पुलिस ने इस बार जेंग ताई की मां का पक्ष नहीं लिया क्योंकि वे जानते थे कि पेंग जिंघाओं के पीछे एक अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था यह कोई रहस्य नहीं था कि मामला सार्वजनिक होने के बाद जेंग परिवार जेंग ताई की मदद करने में विफल रहा जेंग लिचांग का झो वेफान पर मुकदमा करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि वह जानता था कि यह उसकी बेवकूफ पत्नी की गलती थी इसके अलावा वह जानता था कि पेंग जिंघाव के पीछे एक अधिक प्रभावशाली व्यक्ति था इसलिए उसने उनसे उलझने की हिम्मत नहीं की अत उन्हें परिणाम स्वीकार करना पड़ा हालांकि वह अपनी पत्नी को विकृत होते देखना नहीं चाहता था फिर भी उसकी पत्नी ने इसके लिए कहा समस्या आसानी से हल हो गई और पेंग जिंघाओं को दूसरे वार्ड में ले जाया गया वह अब लगभग पूरी तरह ठीक हो चुके थे लेकिन अभी भी उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहने की जरूरत थी पेंग जियामन ने झो वेफान को बार बार धन्यवाद दिया श्री झो ईमानदारी से कहूं तो मैं नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं आपने हमारी जान बचाई है पीछे मुड़कर देखने पर वह डर गई थी मेरी खुशी यह मेरा काम है झो वेफान ने कहा पेंग जियाओमन ने ईमानदारी से कहा मुझे पता है लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि आपने हमें बचाया है जो वेफान को अपनी नजरों से थोड़ी शर्म महसूस हुई फिर वह चुप रही ठीक है काश मेरे पास भी आपके जैसा जीजा होता पेंग पेंगजिंघाओं ने अचानक आह भरी पेंग जियामन तुरंत शर्मा गए जिंघाव ऐसा मत कहो वास्तव में पेंग पेंगजिंगाओं के लिए ऐसा कुछ कहना बहुत सामान्य था लेकिन पेंग शियामन को शर्म आ रही थी क्या मैं ऐसा क्यों नहीं कह सकता मैं चाहता हूं कि मुझे वेफान जैसा मज़बूत भरोसेमंद जीजा मिले पेंग झिन्हाओं ने व्यथित महसूस करते हुए कहा दरअसल उन्होंने ऐसा जानबूझ भी कहा था पेंग जियाओमन के छोटे भाई के रूप में वह झो वेफान के प्रति पेंग जियामन के रवैये में बदलाव देख सकते थे वह अक्सर झो वेफान के साथ बातचीत करता था और वह जानता था कि झो वेफान अकेला था उस स्थिति में यदि झो वेफान को भी पेंग जियामन पसंद है तो उन्हें उन्हें स्थापित करने और झो वेफान को अपने बहनोई के रूप में रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी झो वेफान और पेंग जियाओमन अपनी शक्ल से ऐसे लग रहे थे कि वे एक बेहतरीन जोड़ी होंगे जहां तक उनके व्यक्तित्व का सवाल है उन्होंने सोचा कि इन दिनों उनके साथ रहने के बाद झो वेफान एक अच्छे इंसान थे हालांकि उसकी बड़ी बहन के पास कोई उच्च डिग्री शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं था फिर भी वह एक बहुत अच्छी पत्नी और मां साबित होगी पेंग जिन्हांव को झो वेफान की आर्थिक स्थिति के बारे में पता नहीं था लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक झो वेफान और उसकी बड़ी बहन एक दूसरे को पसंद करते थे फिर भी यह केवल पेंग जिंघाव का विचार था और वह निश्चित नहीं था कि झो वेफान को उसकी बड़ी बहन पसंद है या नहीं अगर झो वेफान को नहीं लगता कि उसकी बड़ी बहन एक अच्छी पसंद है तो वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता आप पेंग जियाओमन लाल हो गया लेकिन उसे नहीं पता था कि अब क्या कहना है परिणाम स्वरूप वह पलट गई और उसे नजरअंदाज कर दिया झोम वेफान एक पेशेवर हत्यारा था और वह प्यार या रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था इसलिए वह यह अंतर नहीं बता सका कि पेंग जियामन ने उसे कैसे देखा और अन्य लोगों ने उसे कैसे देखा इसलिए उसे यह भी समझ में नहीं आया कि पेंग झिंगहाओ ने ऐसा क्यों कहा जेंग ताई की मां को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जेंग परिवार की संपत्ति को देखते हुए वह निसंदेह एक वीआईपी वार्ड में रहीं जेंगलिचांग ने जो किया उससे बहुत क्रोधित था लेकिन वह अभी उसकी आलोचना नहीं कर सकता था क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल थी इसके अलावा उसका चेहरा जल गया था और विकृत हो गया था इसलिए वह उसकी ओर देखने को भी तैयार नहीं था अपनी पत्नी के लिए व्यवस्था करने के बाद जेंग जेंगलिचांद बिना किसी हिचकिचाहट के चले गए जेंग काई की मां को ठीक होने के लिए अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी पड़ी लेकिन वह शांत होने के बाद ही ऐसा कर सकी लेंग शाउजिया उस रात सो नहीं सके क्योंकि उसे पहले ही कुछ दिनों के लिए एनेस्थेटिक का इंजेक्शन दिया जा चुका था और अगर वह इसे जारी रखती तो यह उसके शरीर को नुकसान पहुंचाता इसलिए उसने खुद ही सो जाने की कोशिश करने का फैसला किया हालांकि यह बिल्कुल भी आसान नहीं था और वह केवल थोड़ी देर के लिए सो सकी और फिर दर्द से जाग गई जियांग श्रुयुवान ने अब काव्या से दवा मांगने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्हें कार दुर्घटना के बारे में दोषी महसूस हुआ भले ही काव्या को इसके बारे में पता नहीं था फिर भी वे अब सहज नहीं हो सकते थे माँ मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता डॉक्टर से कहो कि मुझे अभी बेहोशी की दवा दे दे लेंग शाओजिया ने रोते हुए जियांग श्रयवान से विनती की यह आपके शरीर को चोट पहुंचाएगा जियांग श्रुयवान ने कहा मुझे परवाह नहीं है लेंग शाओजिया चिल्लाया हालांकि जियांग शुवान ने फिर भी ऐसा करने से इनकार कर दिया इसलिए लेंग शाओजिया ने सभी को कोसना शुरू कर दिया उसने जियांग शुवान को दोषी ठहराया क्योंकि वह काव्या से दवा मांगने नहीं गई थी उन्होंने जियांग शुईवान की भी आलोचना की और कहा कि उन्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है जियांग शुईवान का दिल थोड़ा टूट गया लेकिन उसने लेंग शोजिया से बहस नहीं की क्योंकि वह जानती थी कि लेंग शोजिया इस समय बहुत दर्द में थी इसके अलावा लेंग शाओजिया आखिरकार उनकी बेटी थी लेंग शाउमिंग ने उस दोपहर राजधानी छोड़ दी क्योंकि उन्हें काम पर जाना था दरअसल वह नहीं जानता था कि लेंग शाओजिया और काव्या के बीच की शिकायतों के बारे में वह क्या कर सकता है आधी रात को लेंग शाउटिंग को बेचैनी भरी नींद आने लगी क्योंकि वह एक सपने से जूझ रहा था दुष्ट आचरण करने वाले व्यक्ति द्वारा चट्टान के किनारे अपने पेट पर प्रहार करने का दृश्य उसके सपने में फिर से दिखाई दिया जब वह यह सपना देख रहा था तो उसे अपने शरीर में कुछ गर्माहट महसूस हुई ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में किसी चीज ने उसे रोक दिया है और वह उसे तोड़कर बाहर आने के लिए उत्सुक था काव्या हल्की नींद में सो रही थी इसलिए जब लिंग शूटिंग ने शोर मचाना शुरू किया तो वह जाग गई उसने सोचा कि शायद वह कोई बुरा सपना देख रहा है इसलिए उसने तुरंत उसे आराम दिलाने के लिए अपनी जादुई शक्ति उसके शरीर में डाल दी एक बार जब जादुई शक्ति लेंग शाउटिंग के शरीर में डाल दी गई तो वह उसके पेट में समा गई और वह धीरे धीरे बेहतर महसूस करने लगा जैसे जैसे समय बीतता गया लेंग शूटिंग को आराम मिला और वह फिर से सो गया वह नहीं जानता था कि यह सचमुच घटित हुआ है और उसने सोचा कि यह महज एक सपना है अगले दिन जब वे उठे तो काव्या ने लेंग शूटिंग से इस बारे में बात नहीं की क्योंकि उन दोनों को लगा कि यह सिर्फ एक सपना था वे बाद में दौड़ने चले गए आधी सड़क पर काव्या को दो किसानों की गंध महसूस हुई लेकिन उसने उन्हें खोजने की जहमत नहीं उठाई उसने बस उस दिशा में देखा जहां से गंध आ रही थी फिर उसकी नज़र बेली जोम्यांग और एक युवा लड़की पर पड़ी जो लगभग सत्रह वर्ष की थी हालांकि उसने बस उन पर एक नज़र डाली काव्या ने उन्हें तुरंत पहचान लिया उसने पिछली बार पहाड़ी विला में एक बूढ़े आदमी के साथ लड़की की बातचीत सुनी थी उसका नाम जोंगसू था यह सोचते हुए काव्या को अचानक विचार आया कि बेली जोम्यांग और बेली जोंगक्सू परिवार हो सकते हैं वह नहीं जानती थी कि वह सही थी या नहीं लेकिन इसकी बहुत अधिक संभावना थी क्योंकि बेली जोमयाम और बेली जोमक्स्यू एक दूसरे से मिलते जुलते थे इस बार काव्या उन्हें देख नहीं पाई क्योंकि वे जानबूझकर उससे बचते रहे लेकिन काव्या को कोई आपत्ति नहीं हुई और बाद में लेंग शूटिंग के साथ घर वापस चली गई क्या हाँ ने नाश्ता तैयार कर लिया था इसलिए काव्या और लेंग शाउटिंग अपने घर लौटने से पहले उसके स्थान पर भोजन करने गए दौड़ने के बाद उन्हें स्नान करने की जरूरत थी और लेंग शाउटिंग स्वाभाविक रूप से काव्या के पीछे पीछे बाथरूम में चले गए काव्या उसे रोकने के लिए कुछ कहना चाहती थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे क्योंकि वे अभी एक दूसरे के शरीर से अधिक परिचित नहीं हो सकते थे वे लगभग एक घंटे तक बाथरूम में रहे और जब वे बाहर निकले तो लेंग शाउटिंग बहुत संतुष्ट दिखे वह सुबह नौ बजे चला गया और वे अगले सप्ताहांत तक एक दूसरे को फिर से नहीं देख पाएंगे हालांकि वह काव्या को छोड़ने को तैयार नहीं था लेकिन उसे अपने काम के लिए जाना पड़ा जब लेंग शाउटिंग चली गई तो काव्या गाओयी और क्याउया के साथ उसकी कंपनी में गई एंशियन चांद का बॉस एंटीक स्टोर के बारे में बुरी खबर का व्यर्थ इंतजार कर रहा था लेकिन एंटीक स्टोर के सभी कर्मचारी अच्छे दिख रहे थे और कोई भी इनसे प्रभावित नहीं हुआ था प्राचीन आकर्षण का बॉस भ्रमित था और उसने सोचा कि काले कपड़े वाले व्यक्ति ने उसे धोखा दिया होगा यदि नीला और सफ़ेद चीनी मिट्टी का बर्तन वास्तव में अच्छा होता तो उसे बहुत सारे पैसे का नुकसान होता क्योंकि उसने इसे काले कपड़े वाले व्यक्ति को बहुत कम कीमत पर बेच दिया था हालांकि उसने अभी भी बहुत पैसा कमाया वह इस सौदे से और अधिक कमाना चाहता था इसलिए वह इसका पता नहीं लगा सका हालांकि काले कपड़े वाला आदमी अब कहीं नहीं था और वह सीधे जियानद्युन एंटी कस्टोर के स्टाफ सदस्यों से इसके बारे में नहीं पूछ सकता था जियानद्यून एंटिकस्टोर नीले और सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन बेचकर लाखों युवान कमा सकता है एंशियन चांद के बॉस को अपने स्टोर पर जाते समय जियानग्युन एंटीक स्टोर के पास से गुजरना पड़ता था इसलिए जब उसने चेन दारोंग को दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसने दोषी विवेक के साथ अपना सिर नीचे कर लिया हालांकि चेन दारोम ने अपनी इच्छा से उनका स्वागत किया सुबह मिस्टर फैंग चेन दारोम ने उसकी ओर थोड़ा टेढ़ा होकर देखा और ऐसा लगा जैसे उसने पहले ही कुछ खोज लिया हो चूंकि चैन दारोम ने उसे देखा था मिस्टर फैंग अब भाग नहीं सकते थे सुप्रभात मैनेजर चेन क्योंकि श्री फैन को दोषी महसूस हुआ वह अब चैन दारो का सामना करने में असहज थे श्री फैन तुम आज बहुत अच्छे नहीं लग रहे हो क्या आप इन दिनों बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं तुम मेरे साथ एक कप चाय का आनंद लेने के लिए अंदर क्यों नहीं आते चेन दारोम ने जानबूझकर कहा क्योंकि वह जानता था कि मिस्टर फैन ने जो किया उसके बाद उसे दोषी महसूस होगा और वह सही था एक बार जब श्री फैन ने सुना कि चेन दारोम ने उन्हें अंदर जाने के लिए आमंत्रित किया है तो उन्होंने बुरे नीले और सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन के बारे में सोचा और तुरंत मना कर दिया नहीं नहीं धन्यवाद मैं आज व्यस्त हूँ इसके बाद वह तेज़ी से चला गया चेन दारों ने उपहास किया फिर घूमा और दुकान में चला गया क्योंकि काव्या का मास्टरमाइंड को सज़ा देने का कोई इरादा नहीं था इसलिए वह इस बारे में कुछ भी नहीं कहेगा हालांकि श्री फैंग ने सोचा कि काले कपड़े पहने व्यक्ति ने उन्हें यह विश्वास दिलाकर धोखा दिया होगा कि नीले और सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन बुरे थे लेकिन वह इस बारे में निश्चित नहीं थे काले कपड़े वाले व्यक्ति ने उसे केवल इतना बताया कि जब लोग किसी बुरी प्राचीन वस्तु को छूते हैं तो उन्हें ठंड या बर्फीली महसूस हो सकती है लेकिन अगर वे इसे नीचे रख दे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी मिस्टर फैन को वास्तव में ठंड महसूस हुई जब उन्होंने नीले और सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन को अपने हाथों में पकड़ा यह भारी नहीं था लेकिन उसे असजता महसूस हुई यही कारण था कि उसने काले कपड़े वाले व्यक्ति पर विश्वास करना चुना अचानक श्री फैंग ने सोचा कि चेन दारों ने पहले ही नीले और सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन बेच दिए होंगे हालांकि उनका स्टोर अब बहुत लोकप्रिय नहीं था जियानद्युन स्टोर था इसलिए यह संभव था कि नीले और सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन पहले से ही बेचे गए थे यह सोचकर मिस्टर फैंग ने एक बार देखने का फ़ैसला किया जल्द ही उसने अपने एक दोस्त के लिए जियानद्युन स्टोर में खरीदारी की व्यवस्था की चेन चेनदारों को अपनी योजना का पता न चलने देने के लिए उसने अपने एक भी कर्मचारी को नहीं भेजा उसका दोस्त बाद में वापस आया और उसे बताया कि जियानद्युन एंटिकस्टोर से नीले और सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन गायब थे यह जानते हुए श्री फैन को परिणाम स्वीकार करना पड़ा कि वह जियानद्युन एंटिकस्टोर को नुकसान पहुंचाने में विफल रहे और एक मूल्यवान फूलदान खो दिया जेंग काई को पहले ही कुछ साल जेल की सज़ा सुनाई जा चुकी थी लेकिन मामला अभी पूरी तरह खम नहीं हुआ था चूंकि उसने स्वीकार किया कि उसने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पेंग पेंगजिंघाव के डिजाइन चुराए थे इसलिए डिजाइनर का नाम अब उसका नहीं हो सकता शुरुआत में खेल का मेजबान पेंग जिंघाओ के डिजाइनों को हटाना चाहता था क्योंकि खबर आखिरकार सकारात्मक नहीं थी हालांकि उनकी कंपनी के मुख्य डिजाइनर को पेंग जिंघाओ के डिजाइन पसंद आए परिणाम स्वरूप मेजबान ने जेंग काई के नाम की जगह पेंग जिंघाओ का नाम ले लिया और पेंग जिंघाओ को सम्मान और पुरस्कार मिलेगा इस प्रतियोगिता का अंतिम परिणाम अभी जारी हुआ था इसलिए जेंग काय को सम्मान और पुरस्कार नहीं मिल पाया था मेजबान ने बाद में पेंग जिंघाओ से संपर्क किया और अस्पताल में उनसे मुलाकात की और चूंकि वह इसके हकदार थे इसलिए पेंग जिंगहाओ ने सम्मान और पुरस्कार स्वीकार कर लिया उन्होंने पेंग जिंगहाओ को भी अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया यह उद्योग में एक प्रसिद्ध डिजाइन कंपनी थी और इसमें दुनिया भर के कई कुशल डिजाइनर थे पेंग जिघाव भले ही अभी किसी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के प्रभारी नहीं बन पाए हो लेकिन वह एक नए ब्रांड से अपना करियर शुरू कर सकते हैं पेंग झिघाओं के लिए यह एक बड़ा मौका था और वह निश्चित रूप से इसमें रुचि रखता था लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया क्योंकि काव्या ने उसकी जान बचाई थी इसलिए उसे उसे वापस भुगतान करना चाहिए जैसा कि उसने वादा किया था इसके अलावा उन्हें विश्वास था कि काव्या के लिए काम करके उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है हालांकि काव्या की कपड़ों की कंपनी अभी शुरू ही हुई थी लेकिन चांद पहले ही काफ़ी प्रसिद्धि पा चुकी थी मेजबान इस बात से आश्चर्यचकित था कि पेंग जिंगहाओ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया लेकिन उसे ज्यादा आपत्ति नहीं हुई क्योंकि पेंग जिंगहाओ एक उत्कृष्ट परिधान डिजाइनर थे वहीं कई अन्य प्रतिभाशाली डिजाइनर भी थे दोपहर तीन बजे काव्या को लेंग युआनजिन का फोन आया और उसने बताया कि लेंग युआनजिन को आज घर वापस जाने की ज़रूरत है उसने काव्या को जब भी खाली हो तो सिटीसी आने के लिए आमंत्रित किया और काव्या सहमत हो गई जब लेंग युआनजिन और यू यिन लेंग परिवार के घर वापस गए और मास्टर लेंग को बताया कि उन्होंने पहले काव्या और लेंग शाउटिंग के साथ भोजन किया था तो मास्टर लेंग नाराज हो गए उसने सोचा कि उन्हें घर वापस जाना चाहिए था और साथ में खाना खाना चाहिए था मास्टर लेंग ने यह भी शिकायत की कि जब काव्या उनके पास थी तो लेंग शूटिंग उन्हें पूरी तरह से भूल गई थी लेकिन ईमानदारी से कहें तो मास्टर लेंग बस उन्हें देखना चाहते थे अगले दिनों में काव्या हमेशा की तरह काम पर गई हालांकि लेंग शाउटिंग को अब भी कभी कभी वही सपना आता था और उन्हें अपने पेट में असजता महसूस होती थी वह हमेशा सोचता था कि यह सिर्फ एक सपना था और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया वह भी नहीं चाहता था कि काव्या परेशान हो इसलिए उसने उसे इस बारे में नहीं बताया कुछ समय तक अस्पताल में रहने के बाद पेंग पेंगजिंघाव अंतः पूरी तरह से ठीक हो गए काव्या व्यक्तिगत रूप से उन्हें लेने गई जिससे पेंग ज्यामन और पेंग पेंगजिंघाओं दोनों उसके प्रति आभारी महसूस करने लगे काव्या ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा वे कंपनी में काव्या के अधीनस्थ थे लेकिन कंपनी के बाहर वे दोस्त थे काव्या उन्हें वापस वहां ले गई जहां वे रहते थे लेकिन वे अच्छे वातावरण में नहीं रहते थे और यह शहर के केंद्र से बहुत दूर था सौभाग्य से वे जाने वाले थे इसलिए काव्या ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा उसने उन्हें घर पर तीन दिन आराम करने के लिए कहा इस दौरान पेंग पेंगजिंघाव काव्या की कंपनी में साक्षात्कार के लिए अपने डिजाइन ठीक से तैयार कर सके उसकी कपड़ा कंपनी सिटी थी इसलिए उन्हें सिटी बी के लिए उड़ान भरने की जरूरत थी पेंग जियाओमन और पेंग जिंघाव सहमत हो गए क्योंकि नए शहर और नए माहौल में रहना उनके लिए बुरा नहीं था हालांकि पेंग जियाओमन झो वेफान को छोड़ने के लिए थोड़ा अनिच्छुक थे वह जानती थी कि झो वेफान के मन में उसके प्रति कोई विशेष भावना नहीं थी और उसने सोचा कि दूसरे शहर में जाने के बाद वह धीरे धीरे उसे भूल सकती है जो वेफान को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पेंग जियाओमन उसे पसंद करता है लेकिन जब उसने यह खबर सुनी कि वे सिटी बी के लिए जा रहे थे तो उसे किसी तरह महसूस हुआ कि कुछ कमी है फिर भी उसे नहीं पता था कि क्या कमी थी जब से पेंग थीघाव ने अस्पताल छोड़ा उसने अपना कार्य पूरा कर लिया था और चाहे वे राजधानी में रहें या सिटी बी के लिए रवाना हो इससे उसे कोई लेना देना नहीं था व्यवस्था करने के बाद काव्या झो वेफान के साथ अपनी कंपनी में वापस चली गई पेंग जियाओमन और पेंग जिंगाव ने उन्हें जाते हुए देखा और पेंग जियाओमन उदास दिखे जियाओमन यदि आप वास्तव में उसे पसंद करते हैं तो आप उसे बता सकते हैं पेंग जिंघाव ने कहा बकवास पेंग जियामन को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह उस पर टूट पड़ा तुम मेरी बड़ी बहन हो और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं देख सकता हूं कि तुम उसे पसंद करते हो पेंग झिघाओं ने असंतोष से भाहें चढ़ा ली उसे यह नापसंद था जब उसकी बड़ी बहन ने सब कुछ अपने कंधों पर उठाने का फैसला किया वह अब बच्चा नहीं था और जरूरत पड़ने पर वह उसकी मदद कर सकता था हालांकि उनकी बड़ी बहन के पास कोई उच्च डिग्री शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं था फिर भी वह उनसे कहीं अधिक परिष्कृत थी उनकी वजह से उनकी बड़ी बहन अट्ठाईस साल तक अकेली रही चूंकि उसने अब कॉलेज से स्नातक कर लिया है और उसे अपना जीवन जीने के लिए अपनी बड़ी बहन पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है उसे आशा थी कि वह अपना जीवन स्वयं जी सकेगी और खुश रह सकेगी वह जानता था कि वह हमेशा अपनी बड़ी बहन के लिए बोझ रहा है इसलिए उसे दोषी महसूस हुआ और उसने भविष्य में उसकी रक्षा करने की उम्मीद करते हुए बहुत मेहनत से पढ़ाई की मुझे उसे कैसे बताना चाहिए मुझे नहीं लगता कि वह मुझे पसंद करता है पेंग जियामन ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा रोमांटिक रिश्तों के बारे में उनका पारंपरिक दृष्टिकोण था और उनका मानना था कि पुरुष को महिला का पीछा करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए आप उसे पहले क्यों नहीं बता सकते और उसका पीछा क्यों नहीं कर सकते यह अब अतीत से अलग है यह कोई बड़ी बात नहीं है पेंग जिंघाव को अपनी बड़ी बहन से बेहतर की उम्मीद थी उसने जो कहा वह सच था लेकिन पेंग जियाओमन अभी भी झिझक रही थी इससे पहले कि उसे यकीन हो जाए कि झोंग वेफान ने भी उसके बारे में अच्छा प्रभाव डाला है ठीक है यह मेरा अपना व्यवसाय है तुम्हें अब अपने काम से काम रखना चाहिए पेंग जियाओमन ने कहा और चला गया आप पेंग जिंगहाओ नाराज था लेकिन वह अपनी बड़ी बहन को मजबूर नहीं कर सका वैसे भी ये उनका अपना निजी मामला था शायद भविष्य में एक दिन वे एक साथ हों अगले दिन काव्या सुबह अपनी कंपनी नहीं गई और उसे सुबह नौ बजे ली माउसोंग का फोन आया हर बार जब उसे उसका फोन आता था तो वह अवचेतन रूप से सोचती थी कि उसे एक और प्राचीन कब्र मिल गई होगी भले ही ली माउसोंग ने पहले ही कब्र खोदना छोड़ दिया था और अब एन एम्प्रेस ऑफ मिलिट्री ब्लड दल में काम कर रहा था दरअसल काव्या को सही एहसास हो रहा था क्योंकि ली माउसोंग ने उसे एक बहुत ही अजीब बात के कारण फोन किया था वे कल रात फीनिक्स माउंटेन पर फिल्मांकन कर रहे थे लेकिन कुछ अजीब चीज़ें हुई फीनिक्स पर्वत की बात सुनकर काव्या घबरा गई क्योंकि यहीं पर दुष्ट आचरण करने वाला व्यक्ति चट्टान से गिरा था क्या यह संभव था कि वह आदमी मरा नहीं था काव्या भ्रमित थी लेकिन उसने ली माउसोम को नहीं रोका ली माउसोम ने आगे कहा हमने कभी कभार कोवो को रंभाते हुए सुना जो काफी डरावना था और आप जानते हैं कि यह हमारे इतिहास में दुर्भाग्य का संकेत है हालांकि आजकल हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं फिर भी मुझे लगता है कि यह सही नहीं है उसके बाद किसी ने डर के मारे चिल्लाया कि उसने एक काली आकृति को चमकते हुए देखा है जब जंगली जानवर तरह तरह की आवाजें निकालने लगे तो अधिक से अधिक लोग भयभीत होने लगे इसलिए हमने फिल्मांकन समाप्त कर दिया और राजधानी वापस चले गए यह सुनकर काव्या को यकीन हो गया कि कोई समस्या होगी और इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह काली आकृति दुष्ट आचरण करने वाला व्यक्ति थी हालांकि उसे चट्टान से गिरे हुए कई दिन हो गए थे लेकिन संभव है कि वह कल रात तक नहीं उठा हो काव्या ने पूछा कितने सीन शूट करने बाकी है हम वहां तीन दिन तक रहे यदि कल रात वे अजीब चीजें न हुई होती तो शायद सभी दृश्युम हो गए होते हम इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या हमें उसी स्थान पर बने रहना चाहिए या किसी अन्य स्थान पर शुरुआत से फिर से शूटिंग करनी चाहिए ली माउसोन ने कहा फिल्मांकन कठिन काम था और ली माउसोन ने हाल ही में खुद इसका अनुभव किया था एक अच्छे दृश्य को पूरा करने में काफी समय लगा क्योंकि इसमें अलग अलग दूरी से कई टेक लेने पड़े इसलिए इसे दोबारा शुरू से शूट करने में काफी मेहनत करनी पड़ी हालांकि उन्हें ऐसा करना पड़ सकता है क्योंकि कल रात जो हुआ वह काफी डरावना था और चालक दल में हर कोई अब डरा हुआ था सबसे महत्वपूर्ण बात उन्हें डर था कि कुछ भयानक घटित हो सकता है कोई जरूरत नहीं मैं आज रात तुम्हारे साथ वहां जाऊंगी और इसे संभाल लूंगी काव्या ने कहा वह जानती थी कि क्रू के लिए सभी दृश्यों को दोबारा शूट करना आसान नहीं था इसलिए वह ऐसा नहीं होने देगी चूंकि काव्या ने ऐसा कहा ली माउसोम ने उसकी बात सुनी ठीक है मैं अभी डायरेक्टर लू को फोन करती हूँ काव्या ने कहा जरूर ली माओसोंग ने कहा फिर फोन रख दिया बाद में काव्या ने लू झान को फोन किया लू जान और लू जियाओ उस समय इसके बारे में बात कर रहे थे लेकिन उनके पास अभी तक कोई विचार नहीं था यह न तो लू झान की थी और न ही लू जियाओ की मनोरंजन कंपनी थी इसलिए वे शो पर सिर्फ पैसा बर्बाद नहीं कर सकते थे हालांकि काव्या के पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं थी लेकिन उन्हें कम से कम लागत में अपना काम अच्छे से करना चाहिए एक बार जब लू जान ने अपने फोन की स्क्रीन पर काव्या का नाम देखा तो उसने तुरंत इसका उत्तर दिया काव्या ने उससे कहा कि उसे पता है कि कल रात क्या हुआ था और उन्हें दूसरी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है वह समस्या से निपटने के लिए आज रात उनके साथ वहां जाएंगी जब काव्या ने ऐसा कहा तो लू झान को राहत महसूस हुई काव्या जॉम्बी से छुटकारा पाने में सक्षम थी इसलिए यह समस्या उसके लिए मुश्किल नहीं होगी काव्या के साथ बातचीत करने के बाद लू जान ने लू जियाओं के साथ खुशखबरी साझा की जब तक काव्या आई उन्हें विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा दरअसल वे काव्या को फोन करने से झिझक रहे थे क्योंकि वे इस समस्या को खुद ही सुलझाना चाहते थे आखिरकार काव्या उनकी बॉस थी और जब भी कोई समस्या आती तो वे मदद के लिए उसके पास नहीं जा सकते थे चालक दल में एक ही समय में दो समूह ग्रुप ए और ग्रुप बी काम कर रहे थे फीनिक्स माउंटेन के दृश्य में प्रमुख महिला भूमिका और सहायक पुरुष भूमिका शामिल थी वे दोनों ग्रुप बी में थे उन्होंने लंबे समय तक काम किया था इसलिए वे अब दिन में आराम कर रहे थे जबकि ग्रुप ए अब फिल्म बना रहा था चूंकि काव्या ने वादा किया था कि वह बाद में आएगी वे हमेशा की तरह काम करेंगे ग्रुप बी ने शाम पांच बजे रात का भोजन समाप्त किया और उन्हें आधे घंटे बाद फिनिक्स माउंटेन के लिए निकलना था शूटिंग उपकरण स्थापित करने के लिए उन्हें पहले वहां पहुंचने की जरूरत थी यह सुनकर कि वे आज रात भी फिल्मांकन के लिए फिनिक्स माउंटेन जा रहे थे कई स्टाफ सदस्य घबरा गए वे भूतों में विश्वास नहीं करते थे लेकिन कल रात जो हुआ उससे वे अभी भी भयभीत थे फिर लू झान ने उन्हें बताया कि काव्या आज रात आएगी और चूंकि उनके बॉस को इससे डर नहीं है इसलिए उन्हें आराम करना चाहिए उन सभी को काव्या पर भरोसा था इसलिए वे जल्द ही शांत हो गए इसके अलावा उनका यह भी मानना था कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी और रात में तो डरावनी लगती थी जब काव्या आई तो गांव ही और क्याओया ने उसका पीछा किया सड़क न होने के कारण गाड़ियां घाटी तक नहीं जा पाती थी उन्हें घाटी से लगभग एक किलोमीटर दूर एक जगह पर कारों से बाहर निकलना पड़ा फिर पैदल वहां जाना पड़ा उन्हें शूटिंग उपकरण अपने हाथों अपनी पीठ पर या हाथ गाड़ी में ले जाना या ले जाना पड़ता था अभिनेता कैमरे के सामने भले ही शानदार दिखे लेकिन फिल्मांकन वास्तव में काफ़ी थका देने वाला था क्रू में शामिल अभिनेताओं और कर्मचारियों दोनों को अपना काम अच्छे से करने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा काव्या से पहले टीम घटनास्थल पर पहुंची जब उन्होंने परिचित दृश्य देखा तो उन्हें डरावनी रात याद आ गई कुछ लोगों को असहजता महसूस हुई और वे खुद को बहादुर बनने के लिए प्रोत्साहित करते रहे सौभाग्य से उनमें से अधिकांश शांत रहे और हमेशा की तरह काम पर ध्यान केंद्रित किया बिना देर किए उन्होंने तंबू और उपकरण लगाना शुरू कर दिया कुछ मिनट बाद तंबू तैयार हो गए और अभिनेताओं को मेकअप करना पड़ा शाम के छह बजकर तीस मिनट बज रहे थे और अभी भी उजाला था इसलिए उन्हें अंधेरा होने से पहले सब कुछ ठीक से तैयार करने की जरूरत थी गांव ई और क्याऊया के साथ काव्या आखिरकार सामने आई और सभी ने सम्मान के साथ काव्या का स्वागत किया काव्या उनके प्रति बहुत दयालु थी और उन्हें आराम करने में मदद करने के लिए मुस्कुराती रहती थी हालांकि काव्या युवा और दयालु थी फिर भी वहां के लोग उससे विस्मय में थे क्योंकि वह उनकी बॉस थी काव्या उनका अभिवादन करने के बाद आसपास का जायजा लेने चली गई उसने गांव ही और क्याऊया को चालक दल की सुरक्षा के लिए घटनास्थल पर रहने के लिए कहा उसी समय उसने जंगल में देखने के लिए अपनी जेड़ आंखों का उपयोग किया लगभग दो मीटर दूर एक पहाड़ में एक गुफा थी और अंदर काले कपड़े वाला एक आदमी बैठा था वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और ख़ुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था काव्या को यकीन था कि वह वही आदमी होगा जिसने लेंग शाउटिंग के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी और पिछली बार चट्टान से गिर गया था एक कृषक वास्तव में असामान्य रूप से मजबूत था क्योंकि वह ऊंची चट्टान से गिरने के बाद भी जीवित रहता था हालांकि काव्या को यह नहीं पता था कि वह आदमी लेंग शाउटिंग के शरीर के अंदर की शक्ति से गंभीर रूप से घायल हो गया था यदि लेंग शाउटिंग के शरीर में शक्ति नहीं होती तो वह इतनी गंभीर रूप से घायल नहीं होता वह कृषक था और उसके लिए मरना आसान नहीं था हालांकि यह अलग होगा अगर वह काव्या और बाढ़ ड्रैगन में भाग जाए हालांकि काव्या को पहले ही अपना लक्ष्य मिल गया था लेकिन उसने तुरंत कार्रवाई नहीं की क्योंकि आकाश अभी भी बहुत उज्जवल था दुष्ट आचरण का व्यक्ति क्रूर था लेकिन वह अन्य लोगों को यूं ही चोट नहीं पहुंचाता था वह किसी भी तरह से केवल युवा कुंवारी लड़कियों का शिकार करता था इसलिए वह लू झान और चालक दल के अन्य सदस्यों के लिए हानिरहित था हालांकि भले ही वह अभी तक हानिरहित था काव्या ने उसे भागने नहीं दिया लेकिन क्योंकि वह अब कुछ नहीं कर सकती थी काव्या वापस भीड़ में चली गई जैसे ही आसमान में अंधेरा हो गया वे फिल्म करने के लिए तैयार थे घाटी के इस दृश्य में उन्हें तीन अभिनेताओं की आवश्यकता थी जिनमें प्रमुख महिला भूमिका सहायक पुरुष भूमिका और एक बूढ़ा व्यक्ति शामिल था कहानी यह थी कि मुख्य महिला भूमिका और सहायक पुरुष भूमिका अपने दुश्मन द्वारा फंसने के बाद चट्टान से गिर गए और उन्हें चट्टान के नीचे रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने बचाया था यह बूढ़ा आदमी एक अज्ञात गुरु था जो कुंफू और चिकित्सा में अत्यधिक कुशल था इसलिए उसने प्रमुख महिला भूमिका और सहायक पुरुष भूमिका को ठीक किया एक बार जब आसमान में अंधेरा हो गया तो फिल्मांकन शुरू हुआ काव्या ने बहाना बनाया और भीड़ से निकल गई जब उसके आसपास कोई नहीं था तो उसने बाढ़ वाले अजगर को बाहर जाने दिया और उससे कहा कि वह चुपचाप दुष्ट प्रथा के आदमी को मार डाले वह आदमी अब गंभीर रूप से घायल और कमजोर था इसलिए बाढ़ ड्रैगन के लिए उससे निपटना बहुत आसान था फ्लड ड्रैगन चुपचाप आगे बढ़ा और बिना कोई शोर मचाए सीधे उस आदमी को अपने पेट में निगल लिया दुष्ट प्रथा के व्यक्ति ने सोचा था कि वह संकट से बच गया है लेकिन आज अप्रत्याशित रूप से बाढ़ के पानी में फंस गया वह संघर्ष भी नहीं कर सका इन दिनों काव्या का सामना ईविल प्रैक्टिस के अधिक से अधिक सदस्यों से हुआ और ईमानदारी से कहूं तो उसे नहीं पता था कि इसके कितने सदस्य हैं इस बार फिल्मांकन सुचारू रूप से चला इसलिए सभी ने सोचा कि कल रात जो हुआ वह सिर्फ़ एक दुर्घटना थी दूसरी ओर ली माउसोंग का मानना था कि काव्या ने उन्हें जाने बिना ही कुछ किया होगा बहरहाल सब कुछ सामान्य हो जाने से सभी को खुशी हुई जब फिल्मांकन समाप्त हुआ तब तक रात के दो बज चुके थे और उन्होंने दृश्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और वापस जाने के लिए तैयार थे इसलिए काव्या ने गांव ही और क्याओं या से उन्हें सामान पैक करने में मदद करने के लिए कहा जब वह घर पहुंची तो रात के तीन बज चुके थे उसने जल्दी से अपना चेहरा धोया और बिस्तर पर चली गई अगली सुबह भले ही वह सुबह तीन बजे ही सो गई फिर भी वह दौड़ने के लिए सुबह पांच बजकर तीस मिनट बजे उठ गई वह थोड़ी देर के लिए ही सोई थी लेकिन अपनी जादुई शक्ति के कारण वह ऊर्जा से भरपूर थी एक बार काव्या दौड़ने के लिए बाहर गई तो उसकी मुलाकात बेली जोंगयांग और बेली जोंगक्सू से हुई कृषक होने के नाते उनके लिए व्यायाम करते रहना आवश्यक था और सुबह दौड़ने के अलावा उन्हें अभी भी ध्यान करने की जरूरत थी क्योंकि सुबह की हवा ताजी थी और उसमें हल्की जादुई शक्ति थी इसलिए उन्हें अपना घर छोड़ने की जरूरत थी और सुबह दौड़ने से पहले कुछ जादुई शक्ति को अवशोषित करना था लेंग शाउटिंग आज अनुपस्थित थे इसलिए बेली जोंगयांग और बेली जोंगक्स्यू काव्या से बात करने के लिए चले आए वास्तव में बेली जोंगयांग जब काव्या के पास पहुंचा तो सतर्क रहा क्योंकि वह अभी भी यह नहीं जान पाया था कि कोलेन की दवाओं में जादुई शक्ति क्यों थी हालांकि उनका मानना था कि काव्या उन्हें तब तक चोट नहीं पहुंचाएगी जब तक वे उसके प्रति दयालु हैं क्या संयोग है मिस काव्या बेली जोंगयांग ने काव्या को बधाई दी आपको फिर से देखकर अच्छा लगा मिस्टर बेली काव्या ने विनम्रता से कहा ओह oh, कृपया मुझे अपनी छोटी बहन बेली जोंगक्सू से मिलवाएं वह इस साल सत्रह साल की है बेली जोंग्यांग ने काव्या से कहा आपको देखकर अच्छा लगा मिस काव्या बेली जोंगसू ने सबसे पहले काव्या का अभिवादन किया काव्या ने कहा आपको देखकर भी अच्छा लगा मिस बेली ठीक है यह थोड़ा अजीब लगता है आपको मुझे मिस बेली कहने की जरूरत नहीं है मैं अभी वयस्क नहीं हूँ आप मुझे सीधे जोंकस्यू कह सकते हैं बेली जोंगस्यू ने कहा वह बहुत प्यारी लड़की थी जरूर और आप मुझे काव्या कहकर बुला सकते हैं काव्या मुस्कुरा दी यह उनकी पहली मुलाकात थी इसलिए वे करीब नहीं थे हालांकि बेली जोंगस्यू ने काव्या पर अच्छा प्रभाव छोड़ने की कोशिश की लेकिन उसे अभी भी संदेह था क्योंकि काव्या की दवाओं में जादुई शक्ति थी वे चिंतित थे कि अगर काव्या जादुई शक्ति को महसूस कर सकती है और उनकी वास्तविक पहचान का पता लगा सकती है तो वह उन्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ कर सकती है हालांकि उन औषधियों में जादुई शक्ति थी फिर भी वे उनके लिए बेकार थी वे यह जानने के लिए अधिक उत्सुक थे कि काव्या को जादुई शक्ति कैसे मिली और उसके पास कितनी थी वे अपने उपयोग के लिए जादुई शक्ति चाहते थे लेकिन उनका काव्या को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था यदि यह संभव होता तो वे अच्छे दोस्त बनना चाहते थे काव्या मैंने इंटरनेट पर तुम्हारे बारे में बहुत सी खबरें पढ़ी और तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ इतनी कम उम्र में काव्या ने जो हासिल किया है उसे जानने के बाद बेली जोम्बकसू ने काव्या की सराहना की डोंगफेंग डोंगफेंगजू उसकी आदर्श हुआ करती थी लेकिन अब उसे लगा कि काव्या डोंगफेंग ज्यू से कहीं अधिक उत्कृष्ट है यदि काव्या भी खेती की दुनिया की सदस्य होती तो वह निश्चित रूप से डोंगफेंग ज्यू से अधिक प्रतिभाशाली होती आपका प्रशंसा के लिए धन्यवाद काव्या मुस्कुरा दी ओह मैं इस वर्ष नेशनल कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने जा रहा हूँ आपने किस कॉलेज के लिए आवेदन किया था मैं आपके समान विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहता हूं अगर आपको परेशानी ना हो तो बेली जोंगस्यू ने पूछा बिल्कुल नहीं काव्या खुश थी मैंने कैपिटल यूनिवर्सिटी किया था काव्या को बिल्कुल भी आपत्ति नहीं थी और उसकी इसे गुप्त रखने की कोई योजना नहीं थी चूंकि वे उसके बारे में और अधिक जानना चाहते थे इसलिए उसने इसे छिपाया नहीं आपने कौन सा प्रमुख चुना बेली जोंगस्यू ने फिर पूछा आर्थिक प्रबंधन काव्या ने उत्तर दिया ठीक है मुझे नहीं लगता कि मैं इसका अध्ययन कर पाऊंगा मुझे इतिहास पसंद है इसलिए मैं इतिहास में एक प्रमुख विषय के लिए आवेदन करूंगा, बेली जोंगक्स्यू ने कहा हालांकि बेली जोंगस्यू काव्या के साथ घनिष्ठ संबंध रखना चाहती थी लेकिन ईमानदारी से कहूं तो वह अर्थशास्त्र में अच्छी नहीं थी